हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फिट रहेगा इंडिया। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगें, हम अच्छे लगें, हमारा फेस जो है वो ग्लोइंग हो एकदम। जब हम बाहर निकले तो नेचुरल निकले तो लोग कहें मेकअप किया है, ये लड़की बहुत अच्छी है या लड़का बहुत अच्छा है। जो भी हो, लोग सब चाहते हैं कि उनके फेस पर ग्लो बना रहे। लेकिन ये ग्लो सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, आपको एक्सरसाइज करने से भी आता है। आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप करेंगे तो आपके फेस पर ग्लो बना रहेगा, और वो ग्लो ऐसे कि एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट होगा और उससे आपका फेस ग्लोइंग रहेगा। बताने के लिए हमारे साथ मुस्कान है, योगा ट्रेनर है। हाय मुस्कान। हाय मेघा। मुस्कान, जब हम फेस की एक्सरसाइज करते हैं तो क्या वाकई में वो बहुत हमारे लिए कारगर होती है? देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, हमारे फेस पे भी सेम मसल्स होते हैं। हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग योगा करते हैं, हम अपने मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं, बट हम अपने फेस के मसल्स को भूल जाते हैं। तो आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे फेशियल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे, जो हमारे फाइन लाइंस होते हैं, हमारी स्किन सैग करने लग जाती है या लूज होने लग जाती है। तो जैसे ही हम अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने फेस के मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे और ये बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होती है। जी, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है फेस के लिए, देखते हैं। तो हम अपने पहले एक्सरसाइज के लिए करेंगे, हम जैसे गुब्बारा फुलाते हैं, हम लोग सांस अंदर भरेंगे हमारे चीक्स में, पूरा उन्हें फुला लेंगे जितना फुला सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, उसे बस होल्ड करके रखना है। और आप स्टार्टिंग में 40 सेकेंड्स एक मिनट तक का होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मेघा करते हैं। सांस अंदर हम लोग भरेंगे, इनहेल, और आप मेघा करेंगी, मैं आपको बताती हूँ, आप इसे होल्ड करके रखेंगे, बिल्कुल मेघा होल्ड करके रखेंगी, और नाक से आप सांस लेते रहिए और मुंह को आप बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, और इसे होल्ड करके रखेंगे। कुछ ही सेकंड में मेघा को फील होगा उनके चीक्स में, उन्हें बर्न फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कोई और भी आम एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में हमें बर्न फील होता है, सेम उन्हें चीक्स में होगा। मेघा बताएंगी हमारे एक्सप्रेशन से कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। वेरी गुड मेघा, होल्ड करके रखिए इसे। आप शुरुआत में इसे 30-40 सेकेंड से कर सकते हैं, पर जिस दिन आप अपना स्टैमिना बिल्ड करें कि आप इसे 3 मिनट तक कर पाए, आपके फेशियल मसल्स पे देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी स्किन का टेक्सचर लूज से टाइट होना आपको दिखने लग जाएगा। जी, और ये हमें कितनी देर होल्ड करना है मुस्कान? सेम जैसा मैंने बताया, आप इसे 30 से 40 सेकंड तक स्टार्ट कर लिए, और फिर रोज़ आप इसमें 5-10 सेकंड्स की बढ़ोतरी कर सकते हैं, और जिस दिन 3 मिनट तक पहुंच जाओ, बहुत बढ़िया, 3 मिनट तक आप टारगेट लीजिए इसका। और इसके लिए शायद ऐसा भी नहीं है कि आप कभी ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ भी कर लिया, कभी आपको कभी भी याद आता है तो जी बिल्कुल, सबसे इसका फ़ायदेमंद चीज़ यही है। मैं वॉक करते करते जब खोती हूँ मैं इसे कर लेती हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ या मैं ड्राइव कर रही हूँ, कभी भी आप ये पोज बिल्कुल कर सकते हैं। बस ऐसा मत कीजिएगा कि कभी आप किसी अपने क्रश से मिलने गए हों और वहाँ पर शुरू हो जाए तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। खैर, ये एक्सरसाइज, और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे हमारे चीक बोन्स को डेफिनेशन लाने के लिए। पाउट हम सब करते हैं पिक्चर्स के लिए, तो सेम हम लोग पाउट फेस बनाएंगे, और इसके बाद हमारे जो जॉ लाइन होती है यहाँ से हम लोग अपनी स्किन को खींचते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ। सो पाउट फेस बनाते हैं मेघा, अपने चीक्स को अंदर सक करेंगे, और जैसे ही चीक्स को अंदर सक किया, अब उसे ऊपर की तरफ हम लिफ्ट कर देंगे और इसे होल्ड करके रखेंगे। कोशिश करेंगे कि बैक भी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, एक्टिवेटेड रहे, जैसा बिल्कुल मेघा कर रही है हमें वही करना है। अंदर चीक्स को सक करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेंगे, इसे हम 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, और अब धीरे धीरे रिलैक्स कर सकते हैं मेघा, आराम से अपने पद्मासन में आ जाइए।
जी, क्योंकि मुस्कान यहाँ मैं तो कर ही रही हूँ और आप भी कर रहे हैं, और आई होप कि आप जैसे कर रहे हैं आपसे लोग इंस्पायर भी हो रहे होंगे और आपको देखना भी चाह रहे होंगे, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके बिल्कुल साथ करूँगी। तो इसे हम 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, चीक सकेंड करते हैं, पाउट फेस बनाते हैं। होल्ड करके रखेंगे इसे। विश्राम, तो कैसा लग रहा है मेघा आपको एक्सरसाइज के बाद? एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, जो आपका नेक पार्ट है वो भी स्ट्रेच करता है। बिल्कुल स्ट्रेच करता है, और इस एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको कल थोड़ा यहाँ पे अपने नेक के साइड में हल्का सा पेन फील हो तो घबराइएगा नहीं। जैसे हम जिम में जाते हैं और पहले दिन योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स में हल्का सा पेन होता है, तो सेम वही आपको पेन फील हो सकता है, पर ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, तो घबराइएगा नहीं जी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रिकॉशंस रखने नहीं होते हैं, आपको 2-3 सेट नॉर्मली आपको किसी भी एक्सरसाइज के जी बिल्कुल, तो वो 3 सेट आप इसे कर सकते हैं। होल्ड कितनी देर रख सकते हैं मुस्कान? इसे आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और इसके 3 सेट ज़रूर करिएगा जी। तो 15 से 20 सेकंड होल्ड कीजिएगा, और सेट्स आपको कितना करना है वो भी मुस्कान ने बताया। फ़ायदा क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो भी आपको बताया कि वो प्रॉब्लम नहीं है, बस क्योंकि हम पहली बार एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है हमारी मसल्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम मुस्कान? नेक्स्ट हम लास्ट जो आज करेंगे, सेम ही तरीके से हम अपनी टंग को बाहर लेकर आएंगे और उसके बाद उसे सीलिंग की तरफ खींचेंगे और कोशिश करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली कि जैसे हम आसमान की तरफ उसे लिफ्ट करते रहें, और इसे भी हम 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। तो चलिए मेघा करते हैं, मैं भी आपके साथ करूंगी। टंग्स आउट, विश्राम एंड रिलैक्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जी बिल्कुल, सांस अंदर लेंगे, टंग आउट और ऊपर की तरफ, रिलैक्स एंड विश्राम। मुस्कान, ये कैसे वर्क करती है ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं? जब हम अपने टंग को बाहर निकाल के ऊपर की तरह लिफ्ट कर रहे हैं, तो जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट हम डबल चिन बोलते हैं, हमारा पूरा स्किन यहाँ से खिंचता है, तो जैसे हम उसको होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ से स्किन खिंचता खिंचता, और इसे हम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्किन आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा काम करती है एक्सरसाइज जी। और कितनी देर हमें होल्ड करना है इसे? सेम हम इसे 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे और इसके भी हम लोग 3 सेट्स लगाएंगे। 3 सेट्स करेंगे, 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। मुस्कान, ये तो बात हुई एक्सरसाइज की कि एक्सरसाइज किस तरह वर्क करती है, लेकिन इसके अलावा डाइट क्या हमारी होनी चाहिए जिससे फेस पे ग्लो रहे, फेस जो है अच्छा दिखे? डाइट जैसे सब डॉक्टर्स भी बताते हैं, हम अगर फेस ग्लो की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। सर्दी हो या गर्मी हो, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, उससे फेस पे ग्लो आएगा। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं और ऑयली खाना अवॉइड करें। ऑयली खाना खाने से हमारे स्किन में पोर तपते हैं, एक्ने प्रॉब्लम आता है, तो उसे हम अवॉइड करेंगे। ज़्यादा पानी पिएंगे और ज़्यादा फल सब्जियां खाएंगे और फिट रहेंगे, ग्लोइंग स्किन पाएंगे जी। तो
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे आपको फ्रूट्स खाने हैं, उसके अलावा ऑयली फूड जो है वो आपको नहीं खाना है मुस्कान, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ जो हम खाएं सुबह लें, दोपहर में हमें और लंच के लिए कुछ लें, डिनर के लिए कुछ लें, कुछ ऐसा है स्पेशल डाइट? सबसे फ़ायदेमंद चीज़ जो मैं भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ, सुबह उठते ही मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने से आपका पेट साफ़ हो जाता है और अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको एक्ने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और आपका फेस का ग्लो बना रहेगा। आप ये हैक अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, गर्म पानी सुबह उठ के ज़रूर पीजिए। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरत स्किन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें और उसके लिए आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, फेस के लिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल जो एक्सरसाइज है वो क्या होनी चाहिए वो मुस्कान ने बताया, साथ ही साथ डाइट क्या होनी चाहिए और एक हैक डेली हैक जो है आपका वो क्या होना चाहिए वो भी मुस्कान ने बताया। मुस्कान थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा फॉर हैविंग मी।